क्यूरियस हेयर, ना ही कोई ब्रेथ टेकिंग एडिटिंग और ना ही आपका अटेंशन पकड़ने की कोई कोशिश। वादा नहीं कर सकता कि वीडियो एंटरटेनिंग भी होगी, लेकिन हाँ, आप कुछ नया सीखोगे ये ज़रूर कह सकता हूँ। बात है कुछ दिन पहले की। रिसेंटली मैं एक सीरीज़ देख रहा था, थ्री बॉडी प्रॉब्लम। सीरीज़ के एक एपिसोड में एक इंसान धरती से एलियन से कम्युनिकेट कर रहा होता है। एलियंस इंसानों को समझना चाहते थे ताकि जब वो धरती पर पहुंचते तब वो पीसफुली इंसानों के साथ रह सके। इसीलिए धरती पर से एक आदमी एलियंस के सुप्रीम से बात कर रहा होता है, और इंसानों को अच्छे से समझने के लिए वो आदमी उस सुप्रीम को एक किताब से कहानियां सुना रहा होता है। एक कहानी में उस कहानी का एक किरदार किसी वजह से झूठ बोलता है। वो सुप्रीम इस बर्ताव को समझ नहीं पाता। वो कहता है कि इंसान झूठ क्यों बोलते हैं। वो इंसान उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये कहानी है, ऐसी सिचुएशन है, उसे झूठ बोलना ही था। लेकिन सुप्रीम इस सरकमस्टेंशियल चीज़ों को नहीं समझता, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर समझ जाता है कि इंसान झूठ बोलने के काबिल है। उसी वक्त से सुप्रीम बात करना बंद कर देता है और कुछ ही हफ्तों में इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देता है। पहले तो मुझे एपिसोड काफ़ी अजीब लगा क्योंकि बात काफ़ी आम थी, एक झूठी तो था। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ये बात आम सिर्फ हमारे लिए है, क्योंकि हम झूठ बोल सकते हैं। और देखा जाए तो उस सुप्रीम के सवाल का जवाब भी काफ़ी आसान था। इंसान झूठ क्यों बोलते हैं। हम इंसान झूठ बोलते हैं क्योंकि हम झूठ बोल सकते हैं। हम इस खूबी से नवाजे गए हैं और आज हम इसी की बात करेंगे। नहीं नहीं, इस खूबी की नहीं, बल्कि जिन्हें ये खूबी मिली है, इंसान। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस यानी कि हम एवोल्यूशन में आए। उस वक्त हम इकट्ठा रहा करते थे, घूम फिर के खाने पीने का बंदोबस्त करा करते थे। वी वर फॉलोइंग द ओनली रूल जो कि हमें इसी नेचर ने सिखाया था, जो कि हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, सर्वाइवल। सर्वाइवल से आगे ना कोई रूल है और ना ही कोई साइकोलॉजी। इसी सर्वाइवल ने हमें धमकाया ताकि हम अपने अंदर की खूबियों को जान सके। जब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस धरती पर आए तो वो एक चीज बहुत जल्दी समझ गए कि वी आर नॉट इनफ। हम ना तो सबसे बड़े थे, ना ही सबसे तेज और ना ही सबसे ताकतवर। और तो और, बाकी स्पीशीज की तरह बचाव के लिए ना तो हमारे पास कोई बड़े बड़े सींग थे, ना ही नुकीले पंजे, और ना ही हमारे पास था कोई जहर। टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट इनफ दैट इवेंचुअली विल लीड यू टू बी इनफ। और हमारे साथ भी यही हुआ, वी बिकेम इनफ। वक्त के साथ एक चीज समझ गए, भले ही हमारे पास कुछ ना हो लेकिन एक चीज थी जो और किसी स्पीशीज में इतनी बेहतर नहीं थी, हमारा दिमाग। जी हाँ, हमारा दिमाग। इंसानी दिमाग अपने आप में एक ब्रह्मांड है जो कि अगर मुझसे पूछा जाए तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। 450 करोड़ साल पुरानी इस पृथ्वी पर जहाँ अंदाजन 87 लाख स्पीशीज है, वहाँ एक स्पीशीज जो महज 3 लाख साल पुरानी है और वो सारी पृथ्वी पर राज करती है, ये कोई कोइंसिडेंस या फिर चमत्कार नहीं है। ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ हमारे दिमाग की बदौलत। हमारा दिमाग हमें कल्पना करने की आज़ादी देता है। इसी आज़ादी ने हमें वो बनाया है जो आज हम हैं। क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग के काबिल ये दिमाग हमें पृथ्वी की सबसे महान सभ्यता बनाता है। इसमें कोई शक नहीं कि यही दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन 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 बदनसीबी से हमारे दिमाग की एक दिक्कत है, वैसे एक से ज़्यादा ही है, लेकिन ये एक उन ज़्यादा से ज़्यादा है, नियंत्रण। नियंत्रण का भूखा इंसान उसी के दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकता। देखिए ना कितनी अजीब बात है, हमें प्रिसाइजली काम करने के लिए या फिर दिमाग को किसी चीज़ में पूरी तरीके से जुटाने के लिए प्रेशर की ज़रूरत है। जी हाँ, ये सच है। स्टडी शोज कि मॉडरेट प्रेशर में हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। इसीलिए तो डेडलाइंस इतनी इफेक्टिव होती है, क्योंकि हमारा दिमाग आराम में काम नहीं कर सकता, कम से कम बेहतर तरीके से तो नहीं। अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो शायद यही वजह होगी
कि आपकी कोई डेडलाइन ही ना हो, या फिर डेडलाइन बहुत दूर हो, या फिर आप किसी डेडलाइन को देखना ही ना चाह रहे हो। प्रेशर के बाद अगर हमारा दिमाग किसी सिचुएशन में बेहतर काम करता है तो वो है सर्वाइवल। अगर बात हमारे सर्वाइवल पर आती है तो हम हमारे पूरे पोटेंशियल को देख सकते हैं। इसका एक आसान एग्जाम्पल हम एटॉमिक बॉम्ब के क्रिएशन को कह सकते हैं। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर अपनी टीम के साथ एटम बॉम्ब एक सर्टन डेडलाइन के अंदर बना लेते हैं, क्योंकि बात उनके सर्वाइवल पर थी। अगर उनसे पहले जर्मनी एटम बॉम्ब बना लेती तो नतीजों की तो फिर हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। मेरे कहने का पॉइंट यही है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें हमारे असल पोटेंशियल तक पहुंचाती है, और कहीं ना कहीं हमें जानते हैं, इसीलिए तो हम दुश्मन बनाते रहते हैं। शायद इसीलिए एनवी जैसी भावना हर इंसान में है। इफ़ यू डोंट हैव एनीवन टू प्रूव देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव। और अगर आप इस चीज़ को नकार रहे हैं तो आप या तो एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्शियस इंसान हैं या फिर बहुत अकेले। अगर हमारे दिमाग में ये डू और डाई सिचुएशन ना रही तो हम सुस्त पड़ जाएंगे। इसी वजह से दिमाग को काम ज़रूरी है, राइवलरी ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव नेचर ज़रूरी है, थोड़ा प्रेशर ज़रूरी है, वो कभी ना मिटने वाली भूख ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको मजबूर करेगी बेहतर बनने के लिए। वरना आप सुस्त पड़ जाओगे, आलसी हो जाओगे। और सबसे बुरी बात कि हमारा दिमाग इसे भी जस्टिफाई करता है, क्योंकि ह्यूमंस आर डिसेप्टिव बाय नेचर। इसी वजह से हम आसानी से झूठ बोल सकते हैं, सिगमंड फ्रॉयड ने भी कहा है। हालांकि हम दूसरों से काफ़ी अच्छा झूठ बोल लेते हैं, लेकिन उससे अच्छा झूठ हम अपने आप से बोल लेते हैं। बात भले ही सुनने में मज़ेदार लग रही हो, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे यह बहुत डरावनी बात है। मैं समझाता हूँ। जब हम अपने आप को किसी ऐसी चीज़ के लिए जस्टिफाई करते हैं जो हमें पता है कि गलत है या फिर बुरी है, तो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, और बदनसीबी से हम इसमें बहुत बेहतर हैं। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस विद द सीरियल किलर्स एंड रेपिस्ट्स। वो अपने आप को इस हद तक जस्टिफाई करने लगते हैं कि एक वक्त उन्हें अच्छे और बुरे का अंदाज़ा ही नहीं रहता। मोरली वो नम पड़ जाते हैं। आपको ये सुनने में बड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन यही सच है। किसी सीरियल किलर या रेपिस्ट का इंटरव्यू देखिए। उनके हिसाब से उनके विक्टिम ने उन्हें उकसाया है। काफ़ी बेहूदी बात लगेगी, लेकिन सोचिए कि उनके दिमाग ने ऐसी हैवानी हरकतों को भी जस्टिफाई किया है। उन्हें सच में ऐसा लगता है कि उन्हें उकसाया गया है। और हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि यही दिमाग एवोल्यूशन की सबसे महान स्पीशीज का हिस्सा है। इंसानी दिमाग वाकई में डरावनी चीज़ है। देखो, पहले मैं क्लियर कर लूँ कि मैं किसी भी तरीके से किसी क्रिमिनल को डिफेंड नहीं कर रहा। उन्होंने जो काम किया है उनके लिए उन्हें मौत ही मिलनी चाहिए। मैं तो बस आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आप अपने थॉट्स के बारे में कॉन्शियस नहीं रहे तो आपका दिमाग आपको कुछ भी यकीन दिलवा सकता है। वी ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ द नेचर, और ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इसी नेचर के लिए आज हम सबसे बड़ा खतरा है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि नेचर इज नॉट रेडी फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं वो शानदार तो है, लेकिन उतना ही खतरनाक। ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर थ्री बॉडी प्रॉब्लम सीरीज में काफ़ी बढ़िया रेफरेंस है, उसी को हम थोड़ा फैक्चुअली देखते हैं। 300,000 साल पहले इंसान घूम फिर के खाना और पानी इकट्ठा करता था। कई हजार सालों तक ऐसा ही चला। इसके आगे हमने हथियार बनाने सीखे, जिससे हमें शिकार में मदद होने लगी। सिर्फ यहाँ तक आने के लिए हमें लगभग 70,000 साल लग गए। फिर हमने खेती सीखी और अपना खाना खुद उगाने लगे। हथियारों से खेती तक आने के लिए हमें अंदाजन 58,000 साल लग गए। खेती से विज्ञान तक आने के लिए हमें सिर्फ 10,000 साल लग गए। और क्या लगता है, विज्ञान से कंप्यूटर तक पहुंचने में हमें अंदाजन कितने साल लगे होंगे? सिर्फ 650 साल। और कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक 100 साल भी नहीं। अगर आपको अब भी इंसान की काबिलियत से डर नहीं लगता तो यकीन मानिए, आपको लगना चाहिए। इंसानी दिमाग इतनी क्षमता रखता है कि अपनी हर क्षमता को लांग सके। हम अपने दायरे खुद बढ़ा रहे हैं, एक नई सदी का निर्माण कर रहे हैं, उस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं शायद जिसके लिए हम खुद ही तैयार नहीं हैं। किसी
किसी मशहूर आदमी ने कहा था कि हम अपने शैतान खुद बनाते हैं, और दो वर्ल्ड वॉर्स ने यह साबित भी कर दिया कि इंसान के लिए फिलहाल सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान ही है। इतनी बेहतर स्पीशीज होने के बावजूद हम एक दूसरे को ऊंचे नीचे स्तर से देखते हैं, इतने नीचे गिर सकते हैं कि खुद शैतान को शर्म आ जाए। कभी कभी तो मैं वाकई समझ नहीं पाता, आखिर इंसानी दिमाग है क्या? देखिए अपने आसपास, वी आर ह्यूमंस एंड वी आर द ग्रेटेस्ट स्पीशीज अर्थ हैज एवर सीन, और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी और बुरी दोनों चीजों से बना इंसान अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। हम एक ही साथ महान और घिनौने दोनों हो सकते हैं। तो बताइए, स्पीशीज का हिस्सा होने से क्या महसूस होना चाहिए? सम्मान या तिरस्कार? वीडियो ख़त्म हो चुकी है एंड सॉरी, वीडियो बहुत लेट हो गई। और दोज ऑफ यू जो कि मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि मैं थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम में था। हाँ, मेंटली थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका था। टू बी ऑनेस्ट, अभी भी यही हाल है, लेकिन अब एंडोर करने के आसपास है तो ठीक है। मैंने ऐसे ही नॉर्मली कम्युनिटी पोस्ट किया था, और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे या फिर अच्छा कर रहे होंगे। अगर अच्छा नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और स्टे क्यूरियस।